मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में ट्विंग करके गाड़ियों को उठाया जा रहा है। दरअसल दो पहिया गाड़ियों को उठाने को लेकर कहीं ना कहीं जो नागरिक है उनमें अब गुस्सा देखा जा रहा है और ट्रैफिक विभाग के सामने ही जो है गाड़ी मालिकों और टोचन करने वालों के बीच में बहस होते हुए नज़र आ रही। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जो रोड के किनारे गाड़ियाँ पार्क होती हैं और अब ट्रैफिक विभाग की तरफ से जो है कार्रवाई कर टोचन करके इन गाड़ियों को उठाया जा रहा है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ दो पहिया गाड़ियों को ही क्यों उठाया जा रहा है, जबकि रोड के किनारे देखेंगे आप तो चार पहिया गाड़ियां, कार है, टेम्पो है और ऐसे कई गाड़ियां जो है खड़ी रहती हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ टारगेट किया जाता है दो पहिया गाड़ियों को। दो पहिया गाड़ी जो है आप अगर ज़रा सा भी कहीं भी पार्क करके जैसे हटे वैसे ही पता लगा कि टोचन उठाकर ले गई। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर शहर में भी कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और कल जो है ट्रैफिक विभाग के सीनियर इंचार्ज से मुलाकात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं शबाना मैडम और हाशिम शेख, ये वहां पहुंचे थे मुलाकात करने की आखिर सिर्फ दो पहिया गाड़ियों पर ही कार्रवाई क्यों होती है। साथ में इनका एक मुद्दा और था कि लोग गाड़ियाँ आखिर मुंब्रा शहर में कहाँ पर खड़ी करें, हर जगह पर सिर्फ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और गाड़ियों पर कार्रवाई हो रही है, तो आखिर पार्क कहाँ किया जाए, पार्किंग का बोर्ड आप कहाँ लगाएंगे, पार्किंग का भी बोर्ड लगाया जाए ताकि लोग वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। और सीनियर पीआई जो है ट्रैफिक विभाग के, उनसे हालांकि उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस तरह से दो पहिया गाड़ियों पर कार्रवाई हो रही है शहर में, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं जो है गुस्सा भी देखा जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से गाड़ियां पार्क की जा रही हैं, जहां नो एंट्री है वहां पर नो पार्किंग है वहां पर गाड़ियां पार्क की जा रही हैं और ये कार्रवाई की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि कई दुकानदार और गली मोहल्लों से भी उनके पास शिकायती लेटर पहुँच रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जा रही हैं, उन लेटरों के आधार पर भी ट्रैफिक विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। मैं शबाना शेख, परफेक्ट हेक्टर एनजीओ की प्रेसिडेंट। हम लोग यहाँ पे इसलिए हमने देखा कि ये टोचन वाले जो गाड़ियाँ लाते हैं यहाँ पर, तो ये गाड़ियाँ कहीं से भी उठा के ला रहे हैं, गली कोचे इधर उधर, तो आप लोग ये बताओ तो सही पार्किंग कहाँ है, नो पार्किंग कहाँ है, पार्किंग तो दो तो सही, तो वहां पे पार्किंग करेंगे ना। अभी कोई हॉस्पिटल में जरा दो मिनट खड़ा क्या, गाड़ी गायब हो गई, तो यहाँ पे फिर आके फेस करना पड़ता है। अभी हमने सीनियर सर से बात की है, वो एक घंटे में यहाँ पर आने वाले, फिर हम उनके पास ये मुद्दा हमारा रखेंगे। और ज्यादा बाइक वालों पर ही हो रही, गाड़ियाँ कहाँ आती है यहाँ पे, तो मैंने गाड़ियाँ देखा ही नहीं। क्या बताएंगे आप? देखिए इस्लामुद्दीन भाई, आपको बता दूं मैं कि कई दिनों से जो टोचन का जो काम चल रहा है बहुत अच्छा लगता है ये हो रहा है, लेकिन ये होने के पीछे जो राज है, जैसा नो पार्किंग का जो बोर्ड होता है वो हमारे पास नहीं है, सिर्फ है तो वो जो गुलाब पार्किंग मार्केट है वो भी उन्होंने लगाया हुआ है नो पार्किंग। वो भी क्यों उन्होंने लगाया है कि वहां पर जो स्टॉल वगैरह लगते हैं उनकी गाड़ियां लगती है, तो नहीं है ना, तो बोर्ड कहाँ से रहेगा जब तक कि थाने महानगर पालिका उसको लगाएगा नहीं, जब तक वो बोर्ड होगा नहीं, ठीक है। वो काम है हमारे जो ट्रैफिक के जो इंचार्ज होते हैं वो उनका काम है कि उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको वहां पर वो बोर्ड लगाना चाहिए, जो कि वो बोर्ड नहीं है। सेकंड बात ये रही कि अभी जो परसों के दिन भी जो हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चे ने गाड़ी लगाया और उसकी गाड़ी उठा ली गई, ठीक है, वो अगर हॉस्पिटल का मामला था वो ठीक है, लेकिन आप अभी भी आप कैमरा दिखा सकते हो वहां पर कि इनके बाहर भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से गाड़ी लगी हुई है, ये भी तो रोड है ना, ये भी रोड है, आप रोड उस पर भी दिखा सकते हो, कार जो लगी हुई है इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कार के ऊपर क्यों नहीं होती है? अगर सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बाइक एक्टिवा वगैरह पर ही हो रहा है तो फोर व्हीलर पे क्यों नहीं होता है? आप इधर से जाइए तनवा नगर से लेकर अभी एमएम के जो सर्कल का जो रोड बना है उधर पे फोर व्हीलर पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सिर्फ बाइक पर ही क्यों हो रही है? ये हम बात करने के लिए आज सीनियर साहब से आए थे, लेकिन सीनियर साहब कुछ कल्याण पाटा पे ड्यूटी होने के कारण वो नहीं आ सके। और सेकंड बात मैं आपको बता दूं कि अगर वो गाड़ियां जो उठा के आ भी रही है तो रखा कहां जा रहा है वो भी आप देख सकते हो, तो ये भी रोड ही है ना, ऐसा नहीं है ना, ये भी रोड ही है, तो अगर आपके पास इसकी जगह है रखने की तो ठीक है, बाकी ट्रैफिक तो पूरे मुंब्रा में है, ट्रैफिक कहीं कम नहीं होती है। मेन कारण इसका ये होता है,
कि जो अवैध जो फोर व्हीलर जो खड़ी है, ट्रक खड़ी है कई जगहों पे, तो वो इसका भाड़ा भी लिया जाता है, जो लाइन जो रोड पे जो पार्किंग लगती है उसका अवैध का तो भाड़ा भी लिया जाता है, तो उस चीज पर हमारे सीनियर साहब को ध्यान देना चाहिए। सीनियर साहब से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कल हो सकता है हम वापिस आकर उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज भी वो कुछ हमारे प्रेसिडेंट साहब के कारण कुछ मीटिंग की वजह से गए बैठे डीसीपी साहब के यहाँ, तो आज बेचारे थोड़े थके भी होंगे, कल इनसे बात करते हैं इंशाल्लाह।